यार फिल्म बहुत अच्छी है, OMG नहीं OMG 2। OMG बिल्कुल अलग फिल्म थी, कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म थी, हिंदू धर्म के लिए अलग फिल्म थी, लेकिन ओ माई गॉड 2 जो है वो फिल्म बहुत अलग है। आप उसे बिल्कुल हिंदू धर्म से रिलेट ना करें, नो कोई कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म नहीं है, सेक्स एजुकेशन के बारे में बात की है जो हम सभी को पता होना बहुत ज़रूरी है। आज आपको मुझे हर किसी को सेक्स एजुकेशन के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। हमें पता नहीं होता है, हम कुछ भी करते रहते हैं, ऐसे ही एड्स नहीं फैल रहा है, ऐसे ही बच्चियाँ प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, ऐसे ही लोग डिप्रेस नहीं हो रहे हैं, है ना। तो सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, गुड टच बैड टच क्या होता है एक छोटी बच्ची को पता होना चाहिए, तभी वो बता पाएगी ना अपने पेरेंट्स को कि यार ये सही है ये गलत है मेरे लिए। उन्हें पता ही नहीं होगा तो कैसे, क्योंकि हम पेरेंट्स तो बात करेंगे नहीं, स्कूल हमें सिखाएगा नहीं, तो ये फिल्म हमें सिखा रही है तो सीख लेते ना क्या गलत कर रही है यार। कोई आपके धर्म को तो नहीं बोल रही है, कोई आपको तो नहीं बोल रही है, आप इंसान हो, आपके बारे में बात कर रहे हैं। मैं इंसान हूँ, मेरा लिंग मेल है तो मुझे पता है, बचपन में हमें उसी से बताया जाता है ना कि ये मेल है ये फीमेल है, तो सही है, उसमें गलत क्या है यार, हम आज की बात कर रहे हैं। लर्निंग एक्सपीरियंस यही है कि यार हमें ना इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, और बहुत अच्छी बात है, हमें शायद किसी ने बताया नहीं, हमें अपने दोस्तों से ही पता चला या हमने वीडियोस देख के ही पता चला, लेकिन आज ये फिल्म अगर आपको बता रही है तो आपको अभी से पता चल जाएगा ना कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, कितनी मायने में हमें सब चीज़ें करनी चाहिए, मास्टरबेट क्या होता है, है ना। एक छोटी बच्ची के लिए अगर कोई किस कर रहा है तो कितनी लिमिट तक उसको किस करना चाहिए वो भी पता होना चाहिए। कोई अगर आपको यहाँ किस करके चॉकलेट दे के चला जाए तो उसे थोड़ी पता, नहीं पता ना, उसका तो शोषण ही हो रहा है। आप मत बताओ, आप पेरेंट्स होके भी मत बताओ, वो आपको नहीं बताएगी, उसका बचपन से शोषण हो रहा है, शायद वो उस वजह से डिप्रेस हो जाए, सुसाइड कर ले, लेकिन ये फिल्म देख लेगी तो उसे पता होगा, वो आपको बता पाएगी कि क्या गलत है क्या सही है। एक लड़का डिप्रेस हो रहा है यार कि मेरा लिंग छोटा है मेरा ये छोटा है, तो नहीं, आपको पता होना चाहिए, समय के साथ सब चीज़ें होती है, समय लगता है चीज़ों में, समय के साथ सब सही होता है। अक्षय कुमार, मैं वही बोल रहा हूँ कि भगवान जी का काम है थोड़ी थोड़ी देर में आके सबको ज्ञान देना, हम लोग हैं हमारा काम करते जा रहे हैं, तो फिल्म बिल्कुल वैसी है, शिव जी अपना काम करते जा रहे हैं, इंसान अपना काम करते जा रहे हैं, वो सही मार्ग दिखा रहे हैं और वो बिल्कुल सही मार्ग दिखा रहे हैं, आपको कोई गलत नहीं बोला है। आप फिल्म देखेंगे तो जय श्री महाकाल भी बोलेंगे और हर हर महादेव भी बोलेंगे, आपको हंसना भी आएगा और कहीं ना कहीं आपको दिल पे भी लगेगी, तो फिल्म इंटरेस्टिंग है जरूर। मस्त यार, वो बंदा डैशिंग है, स्मार्ट है, वो शिव जी कर ले, वो विष्णु कर ले, वो ब्रह्मा कर ले, वो सब में अच्छा लगेगा, वो लगेगा, कुछ चीज़ें उसने बोल दी गलत ठीक है, लेकिन वो बंदा अच्छा है, दिल से अच्छा है। पंकज त्रिपाठी का काम बहुत अच्छा है, यामी गौतम का बहुत, बस मुझे कहीं ना कहीं लगा हमारे राम जी के लिए, अरुण गोविल जी के लिए, मुझे लगता है यार कि शायद और कोई भी हो सकते थे, क्योंकि वो जो कैरेक्टर है ना उनके लिए बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी जा सकती है, उनको वैसा दिखाया नहीं, वो कैरेक्टर को वैसा दिखा नहीं पाए अरुण गोविल जी को, तो मुझे लगा यार ये राम जी तो बहुत कम है यार उनका, मतलब मैं ये बोलूँगा, हाँ मुझे बहुत, जैसे मैंने ट्रेलर में देखा था तो मुझे लगा था शायद कुछ इंटरेस्टिंग होगा उनका अरुण गोविल जी का, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है, क्योंकि हम सबको पसंद है यार, हम सब राम जी जानते हैं उनको, तो यार मुझे उनके लिए लगा कि थोड़ा सा वो हो सकता था। सो यार दैट्स इट, अगर ऐसा ही कुछ हो तो बिल्कुल आए एक्सपेक्ट कि हाँ कुछ अच्छा आ जाए यार, ये हिंदू धर्म से यार बिल्कुल आके फिल्म देखो, आप ये मत सोचो कि ये भगवान से रिलेटेड है ये हिंदू धर्म से रिलेटेड है, बिल्कुल नहीं है। मैं खुद ONG को बोलूँगा कि वो चीज़ फिल्म गलत थी, आप इतना नहीं दिखा सकते हो यार, हमारा काम है, हम हमारे भगवान को जिस तरीके से मानते हैं पूजते हैं वो हम पूजेंगे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया ये फिल्म, मैं खुद बोल रहा हूँ आप देखिए, इसमें धर्म के बारे में कुछ नहीं मैं बोलते रहा हूँ, आप जय श्री महाकाल भी बोलेंगे और हर हर महादेव भी बोलेंगे, तो यार ये अच्छी बात है। आपको इस फिल्म में कोइंसिडेंस मिलेगा, आपको गदर देखने को मिलेगी, बस चलिए ये आपके लिए सस्पेंस है, आप ये फिल्म देखिएगा, ये कोइंसिडेंस है, ये अगर इनका टकरार हुआ है ना ये ऑडियंस के लिए, आपको इसमें गदर देखने को जरूर मिलेगी, चलिए दैट्स इट, थैंक यू।